हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन टॉपिक यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, यू नो वेरी वेल, सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। ये जो सारी फिनोमेना है ये सब ग्रेविटेशन की वजह से ही पॉसिबल है। तो ग्रेविटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? ग्रेविटेशन का लिटरल मीनिंग होता है इंट्रैक्शन बिटवीन मासेस। आपके पास मास बॉडीज दे रखी हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। The interaction between the masses is called as gravitation. आप later on आप पढ़ेंगे electricity, आप पढ़ेंगे magnetism, आप पढ़ेंगे। Electricity is the interaction between charges. Magnetism is the interaction between magnet and magnetic materials. North pole, south pole, that you know very well. आप जानते हैं two positive charges repel each other. Positive and negative charges attract each other. That is called electricity. लेकिन यहां पे प्रेजेंट टॉपिक में, करंट टॉपिक में हमें डिस्कस करना है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में जो इंट्रैक्शन होगा वो मासेस के बीच का इंट्रैक्शन होगा, और यहां पे जो इंट्रैक्शन होता है दैट इंट्रैक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। ग्रेविटेशन फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशन को समझने के लिए इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैविंग two masses here, let it be, ek mass mere paas ye hai, it is m1, another mass is here, this mass is m2, and these two masses are separated by a distance here, inko humne kisi distance se separate karke yahan pe rakh diya hai, the separation between them is r, then the force of attraction between them depends on the product of the masses and depend on 1 upon r square, agar in dono ko hum combine kar dete hain, it become here, f is proportional to m1 m2 by r square. If you remove this proportionality sign, then we have to introduce one other constant, and this constant is capital G, m1 m2 by r square. This law is called as Newton's law of gravitation. यहाँ पे सबसे बड़ा जो important point है, जो G हमने use किया है, capital G use किया है, this capital G is here the universal gravitational constant. इसको हम universal gravitation constant क्यों बोलते हैं? उसकी वजह ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सारे यूनिवर्स में मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इट मींस टू मासेस हमारे पास हैं, टू मासेस अभी हमने एयर में रखे हुए हैं, तो जितना फोर्स उनके बीच में एयर में लगेगा वही फोर्स अगर हम किसी लिक्विड में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, किसी नेक्स्ट मीडियम डिफरेंट मीडियम में रखते हैं, तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। देयरफॉर इट इज एप्लीकेबल फॉर होल ऑफ द यूनिवर्स, एंड जी का जो वैल्यू आता है 6.67 × 10⁻¹¹ It is a Newton meter square upon kg square. G की जो dimensions होती हैं, आपने इसको पढ़ भी रखा होगा, m-1 L3 T-2, and as well as जो G का जो value calculate किया गया, ये value it was given by one of the scientist Cavendish. Cavendish ने इस value को solve किया था. Let me express this law in vector form. Let this be mass m1, this be mass m2, and distance between them is r here. इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा, जो M2 ब्लॉक है, M2 बॉडी जो हमारे पास है, ये वन बॉडी पे, M1 बॉडी पे इज द फर्स्ट बॉडी इज हियर, इज द सेकंड बॉडी इज हियर, तो फोर्स ऑन बॉडी वन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा वो हम मेंशन कर सकते हैं, फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू टू, एंड दिस फोर्स विल बी एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म हमारी बन जाएगी F वेक्टर इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय R स्क्वायर, एंड R यूनिट वेक्टर, इट इज योर फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे वो 2 टू 1 आ जाएगा, इज द यूनिट वेक्टर। आपने फोर्स किस पे डिस्कस किया है? 1 पे डिस्कस किया है। 1 पे जो फोर्स एक्ट होगा वो 2 की वजह से होगा, तो डिस्टेंस हम इस 2 से मेजर करेंगे टुवर्ड्स 1 की तरफ। ये जो वेक्टर इधर जो हम चलेंगे, ये जो डायरेक्शन रहेगी इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 टू 1। एट द सेम टाइम अगर हम यहीं पर देखें, फोर्स ऑन ग्रेविटेशन फोर्स की बात हो रही है, इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। अगर हम बॉडी 1 की वजह से बॉडी 2 पे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, इट बिकम हियर F21 इज इक्वल टू जी M1 M2 over r square, and this vector will be r12 unit vector, is the equation number 2 is here.
आर वन टू जो होगा उसकी डायरेक्शन ये आएगी, इटली फ्रॉम वन टू टू इस डायरेक्शन में आएगा यूनिट वेक्टर आर वन टू इज। अब यहां पर हम बड़े केयरफुली इसको चेक कर सकते हैं, एफ टू वन इज इक्वल टू गेटिंग इट हियर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। और आप जानते हैं आर वन टू है, इसको आप माइनस ऑफ आर टू वन लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप ये देखेंगे अगर माइनस साइन को हम आउटसाइड ले लें तो इट बिकम हियर माइनस ऑफ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर एंड इट बिकम आर टू वन। और आप ये देख सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी आपके सामने आई है ये क्वांटिटी और कुछ नहीं है, इट इज फ्रॉम इक्वेशन वन, इट इज योर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इन दिस वे आपने ये देखा कि जो एफ टू वन है यहां पे आपके पास नेगेटिव साइन भी साथ में है, ये आपने ध्यान में रखना है। इन दिस वे यू गॉट इट हियर एफ टू वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वन टू। इन दिस वे दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओविंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। आप यहां पे एक चीज और एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप एक पॉइंट को अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा था और वेक्टर फॉर्म आपने चेक भी कर लिया इसको, तो इन जनरल आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन जनरल आप इसको लिख सकते हैं। इन जनरल आप यहां पे यू नो वेरी वेल जो आपने फोर्स को कैलकुलेट किया था, इट इज हियर एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में तो ये हमारा एफ वेक्टर आ गया, तो यहां आपने यूनिट वेक्टर यूज कर लिया है। यूनिट वेक्टर दैट यू ऑल नो वेरी वेल इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, आर अपॉन आर लिख देंगे। ओके, तो ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म पे। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिमाग में रखना है कि जो आर यूनिट वेक्टर आपने यूज किया है एज वेल एज और जो आप आर वेक्टर ले रहे हैं, इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग गिवन मासेस। इन दिस वे जो भी फोर्स किसी कंडीशन में अगर लाइन ज्वाइनिंग पे एक्ट करता है उन बॉडीज के, तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। दीज सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। लेट मी डिस्कस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज गिवन टू इन दिस प्रॉब्लम three uniform spheres each of mass m and radius r are kept in such a way that each touches the other two. Find the magnitude of the gravitational force on any sphere due to other two. jo problem aapko de rakhi hai yahan par aapke paas identical spheres hain, first sphere is this one, second is this one, third is this one. aap dekh rahe hain yahan pe jo first sphere hai iska mass kitna hai m, mass is supposed to be at its center और इसका जो रेडियस है दिस रेडियस इज आर इज हियर इट्स मेंशन टू यू एज वेल एज इसका मास भी कितना है एम है, इसका रेडियस भी कितना है ये आर है, और जो हमारे पास थर्ड है इसका मास भी एम आपको गिवन है, इसका रेडियस भी हमारे पास आर है। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहां ड्रॉ कर दूं, आप ये देख रहे हैं लेट इट बी ए, इट इज बी एंड इट इज सी हियर। आप देख रहे हैं कि इन मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा मास एम, ये जो मासेस आपके पास हैं स्फीयर्स के, इनके बीच का जो सेपरेशन रहेगा इट विल बी टू आर, ये यहां पे 2 आ जाएगा। ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द स्फीयर ड्यू टू रेस्ट टू। बड़े केयरफुली देखते हैं, अगर हम इस सी पे नेट फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो ए की वजह से सी पे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी, इट इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इट इज हियर एफ ए। ए ने जो फोर्स सी पे लगाया है उसकी डायरेक्शन ये आएगी। एफ ए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में हमारे पास, एफ ए इज इक्वल टू दैट यू नो वेरी वेल जी एम वन एम टू, यहां भी मास एम है आपके पास, यहां भी मास एम है आपके पास, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस ए सी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप देखेंगे कितना बन जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर इट्स होल स्क्वायर, इट बिकम हियर जी एम स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आपने शो कर दी है, इट इज फ्रॉम सी टू ए। एज वेल एज अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो फोर्स ए ने इस सी पे लगाया है आइडेंटिकली जो बी स्फीयर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, इट विल बी द फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल फोर्स होता है एंड इट एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। अगर आप एफ बी को डिस्कस करते हैं तो ये आंसर भी आपका कितना आ जाएगा, जी एम वन एम टू, आप देख रहे हैं एम वन एम टू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे इट ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर इट्स होल स्क्वायर, इट बिकम हियर जी एम स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर, बट इस डायरेक्शन विल बी फ्रॉम सी टू बी। हम अच्छी तरह जानते हैं
यहां पे जो सिचुएशन आपने देखी है वो ये आई आपके पास कि फोर्स ड्यू टू ए ऑन दिस सी एज वेल एज ड्यू टू बी ऑन दिस सी आर सेम इक्वल इन मैग्नीट्यूड हियर जी एम स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हमारे पास वेक्टर दे रखे होते हैं तो उनको आंसर देने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक पैरेलोग्राम लॉ कंप्लीट कर दूंगा, तो पैरेलोग्राम अगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये मैंने यहाँ पे इसका पैरेलोग्राम कंप्लीट कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ये मेरे पास पैरेलोग्राम आ गया है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने यहाँ से इसका डायगोनल ये रिप्रेजेंट कर दिया है, इट विल बी द रिजल्टेंट हियर। अब हम इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स इज दिस वन, ये आ जाएगा रिजल्ट। इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल आप जानते हैं, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यू नो वेरी वेल थीटा इज इट एंड दिस थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज सो, क्योंकि आपके पास जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आप ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आपका आंसर नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो वेरी वेल रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ विल बी इक्वल टू हियर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी एंड इट इज कॉस थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यू नो वेरी वेल एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, आपने वैल्यू पुट कर दी, इट बिकम हियर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इट इज हियर एफ ए इंटू एफ ए कॉस 60 इज हाफ इज हियर। आप इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम हियर अंडर रूट ऑफ 3 एफ ए स्क्वायर। तो यहां से हम देखते हैं एफ ए अंडर रूट 3 एंड एफ ए कॉस दिस एफ ए, आपको पता है एफ ए का वैल्यू कितना है, जी एम स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 आर स्क्वायर, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स हियर। और इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी वो आप मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्शन अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप यहां से समझ सकते हैं कि जो अल्फा एंगल होगा वो एंगल हमारा ये होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी टू वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनका एंगल बाइसेक्टर होता है, इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस r आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड ऑप्शंस आर गिवन टू यू, व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करना है। तो यू ऑल नो वेरी वेल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ जो आपने अभी देखा है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम में आपके पास जो मासेज है इक्वल है, इसका मास आपके पास एम है एज वेल एज आइडेंटिकल मासेज है, मास इज एम हियर, इस मास इज ऑल्सो एम हियर, इस रेडियस इज आर हियर एज वेल एज इस रेडियस इज आर इज हियर। यहां पर आपने ऑनेस्टली इसको जवाब देना है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इट बिकम जी एम वन एम टू इट इज एम हियर एज वेल एज इट इज एम हियर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज टू आर होल स्क्वायर, इट बिकम हियर एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। अगर हम सिंपली यहां से देखते हैं तो हमें लगता है कि आपका आंसर एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर है। अगर आप यहीं से चेक करते हैं तो आपका आंसर एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया है, लेकिन अगर बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये आंसर नहीं है, इज द रॉन्ग आंसर। इसकी वजह यह है कि जो ये मास हमें गिवन है इस मास के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास रेडियस इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो स्फीयर का मास होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर आप केयरफुली देखें मास इक्वल टू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इज रो, इन दिस वे दिस मास इज डिपेंडिंग ऑन आर क्यूब। अब यहां से हम फोर्स को चेक करते हैं तो आपके सामने फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन m square upon r square, आपने देखा यहां से। अब m is depending on this r cube, it is valid only for this problem, ये सिर्फ हम इसी problem में apply कर सकते हैं। कितना आ जाएगा r cube, इसका whole square आ जाएगा upon r square। हम इस situation को यहीं पे क्यों apply कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो separation between spheres है वो exactly in terms of radius के है। तो आप इसको solve कर दीजिए, it become r raised power 6 upon r square, it comes out to be r raised power 4. Therefore, correct option is F is proportional to R is powerful. This is the answer.